नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अपने पीसी में कभी कभार डिस्प्ले नहीं देता है, मतलब बीप की आवाज़ आती है या फिर कंप्यूटर ऑन हो जाता है फिर डिस्प्ले नहीं देता, मतलब कंप्यूटर में पावर आता है फिर डिस्प्ले नहीं आती है। तो आप इस स्थिति में आप क्या करें घर पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीसी है आपका कंप्यूटर है, जो पहले उसको बंद कर लो। फिर अभी देखो मेरे पास एक पीसी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे पास पीसी है, अभी इसमें मतलब डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, तो मतलब पुराना, काफ़ी पुराना पीसी है, आपको दिखा रहा हूँ। मतलब पुराना पीसी है, पुराने टाइप का कैबिनेट है ये मेरे पास। तो मैंने इसको एलईडी में इसका कनेक्शन, एलईडी है मेरे पास। तो ये है पीसी अपना, डिस्प्ले नहीं आए तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेक करो। आप नॉर्मल घर पे कर सकते हो, तो आप देखते रहो, वीडियो बने रहना। कैबिनेट का साइज का जो ढक्कन है वो आप खोल सकते हो, खोल के, और उस ढक्कन को खोल लिया हमने। इसके अंदर देखो अभी मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड को आप आराम से, ये पावर केबल है, इसको आराम से कर दो। जो मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट दिए हुए, देखो पूरा मतलब मदरबोर्ड है। तो इसमें सबसे पहले आप जो सीमोस है ना, ये सीमोस है, इसको आप चेक कर सकते हो। इसको यहाँ से इसका लॉक आता है, आराम से इसको दबाओगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसको खोल के एक बार आप चेक कर लो कि मतलब इसको सही है ख़राब है। तो आप इसको जीप के अड़ाओगे तो आपको पता चलेगा, करंट जैसा लगता है तो आपको समझो सही है, नहीं हो तो फिर ठंडा लगे तो समझो ख़राब है। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको वापस आप लगा सकते हो, चेक करिए आराम से इसको लगा दो। उसके बाद ये है जो रैम लगी होती है। तो अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको डिस्प्ले आती है नहीं आती है। तो इसके आगे जो स्विच है पावर का, इसको मैंने ऑन कर दिया, अभी ऑन हो गया सिस्टम, अभी तो ऑन हो गया। अभी देखते हैं इसमें डिस्प्ले आती है या नहीं आती है। डिस्प्ले आएगी तो यहाँ पे आएगी, अभी डिस्प्ले नहीं आ रही, मतलब जो लाइट है ये येलो ही हो रही है, ग्रीन होगी। तो ये रैम है सीमोस, तो हमने चेक कर लिया, अब रैम है। तो अब रैम एक बार निकाल के बंद करके, सिस्टम को बंद कर दिया, मैंने पावर केबल निकाल दिया, यहाँ से पावर केबल निकाल दी, हटा दिए। तो ये सबसे पहले हमको इसमें रैम दो लगी हुई है, तो एक रैम हम इसको निकाल देते हैं। ये रैम हमने निकाल दी, एक लगी हुई है, रैम निकाल के चेक कर सकते हो, दो तो या फिर एक रैम हो तो इसको थोड़ा साफ करके, क्लीन करके एक बार दोबारा लगाओगे तो इसमें मतलब कभी कभार डस्ट वगैरह आ जाती है, तो नहीं आता है तो डिस्प्ले नहीं देता है। तो अभी मैंने वापस इसमें पावर केबल लगा दी और वापस इसको चालू कर रहा हूँ, ऑन कर दिया मैंने, तो अभी ऑन हो रहा है, ये डिस्प्ले आ गई, डिस्प्ले आ रही है सिस्टम में आ गई। मतलब रैम की प्रॉब्लम है तो रैम हमने एक बार निकाल दी, एक रैम से चल रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है कि हार्ड ड्राइव इसमें डिटेक्ट नहीं है, तो अपने हार्ड ड्राइव डिटेक्ट करनी पड़ेगी। तो वापस हार्ड ड्राइव को, इसमें ये SSD लगी हुई है, एक तो एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। तो पहले SSD को चेक करते हैं, SSD की वजह से आ रहा है, चालू कर चेक करते हैं। तो इस प्रकार आप हार्ड ड्राइव को चेक कर लो, केबल वगैरह निकाले दोबारा लगाओगे तो विंडो चल जाएगी, और आप इस प्रकार नॉर्मल घर पे मतलब थोड़ा बड़ा चेक कर सकते हो रैम वगैरह निकाल के। तो इस प्रकार आप कंप्यूटर को घर पे चेक कर सकते हो, नो डिस्प्ले में। धन्यवाद।